अस्सलाम वालेकुम जी। इससे पहले हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाने सीखे इसके अंदर, रियल प्रोग्रामिंग के अंदर, कि हमने किस तरह डील करना है। असेंबली फाइल्स बनानी हमने सीखी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी को सीखा हमने। वहाँ पे हमारा मकसद कुछ इस तरह था कि हम प्रोग्राम किस तरह करेंगे। हमने रीयूजबिलिटी के कंसेप्ट को देखा। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट आपके पास डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि रियल प्रोग्रामिंग के अंदर किए जाते हैं, उसके अंदर कौन बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता है, वो .exe की एक्सटेंशन में आपको अवेलेबल होते हैं उनके सेटअप। आप वो सेटअप अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको रन करने की कोशिश कर रहे होते हैं आप साथ साथ। अब एक आपने .exe का सेटअप डिज़ाइन कर लिया, अब वो सेटअप किस सिस्टम के लिए बनाया है आपने, किस कंप्यूटर के ऊपर वो ऑपरेट हो सकता है और वो किस अंदाज में ऑपरेट होगा, उसके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको किस अंदाज का चाहिए। आपको 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा या 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं जो हर तरह के इंटरफेस के लिए, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चल जाए। अभी जितने भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होते हैं। आप इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पास, उसका थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट होगा। तो आज हम कॉन्फ़िगरेशन, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके सपोर्टिंग फाइल्स हैं, जो भी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी सेटिंग के हवाले से जो आप एक्स्ट्रा हेल्पिंग फाइल्स क्रिएट करते हैं और उसको अपने सिस्टम के साथ लिंक कर देते हैं, उनको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के हवाले से देखते हैं। जैसे कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कुछ फाइल्स होती हैं, कोई मशीन रेलिवेंट फाइल्स होंगी, ये किस मशीन के ऊपर आपका जो सॉफ्टवेयर है ये रन होगा, और इसी तरह आपका कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड फाइल्स भी हो सकती हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती कौन कौन सी हैं, इनको कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, इनके जो बेसिक फॉर्मेट है वो किस अंदाज़ में होती है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किस अंदाज़ में करते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक गाइडलाइन प्रॉपर आपको यहाँ पे दी गई है, जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर टूल के अंदर, जो आप विजुअल प्रोग्रामिंग में सी शार्प को यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये वो फाइल्स होंगी जो आपको हेल्प आउट करेंगी बाद में कि आपका जो सॉफ्टवेयर टूल है वो किस तरह बिहेव करेगा। चलते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के हवाले से, उसके प्रोजेक्ट की सेटिंग के हवाले से, जो आपके पास फाइल्स होती है उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये आपको डीबग या रिलीज़ के ऑप्शन के ऊपर ये आपको मिल जाती हैं, और इसी को हम साथ साथ सिस्टम के साथ फिक्स कर लेते हैं। जब सिस्टम कंपाइल होगा, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो आपकी ये फाइलें उस हिसाब से रन होंगी। यहाँ बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये डिसाइड करती हैं कि जब आप अपना प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट जब आप बिल्ड करते हैं, तो उसकी जो आउटपुट फाइल्स होंगी वो कहाँ पे प्लेस होंगी, उसको आप किस तरह उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली वो बिन के डीबग के फोल्डर के अंदर आपके पास जा रही होती हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे ही आप कोई सोल्यूशन बिल्ड करते हैं, लेकिन आप उसका फोल्डर चेंज भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म की सेटिंग कर रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, तो सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आप जब सबसे पहले जब आप बिल्ड करते हैं, डिबग करते हैं, तो आपकी जो फाइल्स हैं वो किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होंगी, वो किस जगह पे जाके सेव होंगी। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन में हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह बिहेव करेगा, बाद में वो सिस्टम रन किस तरह करेगा, उसकी कौन सी फाइल कहाँ पे अवेलेबल होगी। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि जब आप
कोई फाइल सिस्टम को बिल्ड करें तो वो एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ही आपकी फाइल जो है वहाँ पे बिल्ड हो। बेसिकली जब कोई आप एप्लीकेशन ऑनलाइन चला रहे हैं किसी सर्वर के ऊपर, तो उसकी फाइल कहीं पे भी सेव हो सकती है। उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जब आप सिस्टम को बिल्ड करें, तो उसकी आप स्पेसिफिक लोकेशन बता सकते हैं किसी सर्वर के ऊपर कि वहाँ से लोग जहाँ से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं वो आसानी से वहीं पे पहुँच जाए और वहीं से हम उसको यूज़ कर ले। तो इसको भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही हम इंक्लूड करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह बनाते हैं? इस फाइल को डिज़ाइन करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करने के लिए, उनको किसी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए, हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का सहारा लेते हैं जो कि आपको मेन्यू बार में मिल जाता है। आप बिल्ड के ऊपर सेलेक्ट करें, बिल्ड के ऑप्शन को लें, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, तो वहां से आपको कॉन्फ़िगरेशन का सर्च बॉक्स मिल जाएगा। वहां पे इसी वाले से सबसे पहले जो सोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो कहां पे किस तरह सेट होगा, वो उसकी सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन सोल्यूशन डिबग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, एक्टिव सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के ये किस सीपीयू के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फिक्स भी कर सकते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक सीपीयू के लिए, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वर्जन के लिए आप इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एनी सीपीयू के लिए जो फाइल होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये किसी भी सिस्टम के ऊपर रन होने की फैसिलिटी अपने पास रखती हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास कंसोल ऐप 4 है, तो कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से इसको डीबग के ऊपर हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म क्या है, ये किसके ऊपर रन हो सके, ये किसी भी सीपीयू के ऊपर, और इसको बिल्ड भी किया जा सके। अभी हमने डिप्लॉय के हवाले से कोई इसके ऊपर सेटिंग नहीं लगाई, और ये सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि अभी तक हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे जिसके अंदर हम कोई फाइल भी इंक्लूड नहीं कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, डिबग करने के हवाले से, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी एक पैकेज जो है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल कि ये प्रोजेक्ट हमारा किस तरह रन होगा। लेकिन ये चीज़ वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग जो है वो कस्टम करने की ज़रूरत होती है, जिनको फर्दर हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर रहे होते, तो डेफ़िनेटली जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट देंगे, अब इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं, कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग है वो ठीक नहीं की, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो प्रॉपर रन नहीं होगी। जिस सिस्टम के ऊपर भी जाएगी वो प्रॉपर रन नहीं हो पाएगी। अब उसका एक और फ़ायदा भी है, अगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसका एक नया वर्जन जो है वो लॉन्च करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंजिंग आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा सॉफ्टवेयर ही वहाँ पे चेंज करेंगे। हम वहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक एप्लीकेशन का वो हिस्सा जहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है, हम उसी को चेंज कर लेंगे। तो इस हवाले से हमारी सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी जो फाइल्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए कि उनको हमने किस तरह यूज़ करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा, अभी ये तो थोड़ा सा जेनेरिक इंट्रोडक्शन है, जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की इम्पोर्टेंस क्या है और इनको हम किस किस अंदाज से डिज़ाइन करते हैं। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है मेन्यू बार के अंदर, उसके अंदर हम एक्टिव सोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन, और इसको एडिट भी कर सकते हैं, कोई नई भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसी हवाले से हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी आ रहे होते हैं कि आप वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आप चीज़ें कर सकते हैं। ये उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया है टूल बॉर पैक्स में। बेसिकली मैंने इस दफ़ा आपको डिटेल कंटेंट प्रोवाइड किया है क्योंकि थोड़ा सा थ्रेटिकल सा हमारा ये टॉपिक है, इस अंदाज से कि आपको ये चीज़ें आईडी आनी चाहिए, जब भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब ये अभी तक तो हमने देखा था सोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के हवाले से, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे रहे हैं। पहले हमने ओवरऑल जो हमारा सिस्टम था, जो बनना था सोल्यूशन, हमने कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया उसको, जर्नल जो फाइल्स थी कि ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रन होगा। और इसी तरह अब हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ जो हमारे स्पेसिफिकली हमारे प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी सोल्यूशन एक्सप्लोरर के थ्रू हम गए वहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे जैसे कंसोल एप्लीकेशन 4 है, तो हम यहाँ पे जाके उसकी फर्दर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट करते हैं।
तो एक्टिव डिबग कि आप किसी वक्त भी इसको रन कर सकते हैं। और इसी तरह प्लेटफॉर्म कौन सा होगा वो पहले भी हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशनल कंपाइलेशन सिंबल्स। अब ये बेसिकली आप ये कर रहे हैं कि आप उसके अंदर फर्दर जो सिस्टम के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इसके अंदर सबसे कॉमन आपको लगेगा प्रेफर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, पहले कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई है, पहले हम इनको डिस्कस नहीं करते, हम पहले प्लेटफॉर्म टारगेट को कर लेते हैं। जो आपने रोज़मर्रा ये चीज़ें देखी होती हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वो बेसिकली सबसे प्रेफर्ड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसको करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेहतर तरीके से काम करे, तो आप यहाँ पे जस्ट चेक कर देंगे प्रेफर्ड 32 बिट के ऑप्शन को। और इसी तरह अलाउ अनसेफ कोड, अगर आप उस कोड के अंदर कोई उस सॉफ्टवेयर के लिंक करना चाहते हैं या फर्दर उसके अंदर कोई इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, किसी कंपोनेंट के साथ उसको लिंक करना चाहते हैं, और वो जो कोड का ऑप्शन आ रहा है वो कोई सेफ नहीं है, कुछ इस तरह के आपने उस एप्लीकेशन को या प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन कोई और साथ आप ये ऑप्शन दे देते हैं कि कोई और अगर आपके पास कोड आता है तो आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं, तो अगर आप उसको, लेकिन वो अनसेफ होगा क्योंकि आपकी ऑथराइजेशन के बगैर वो कोड उसके साथ लिंक हो रहा होगा। आप उसको करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन ऑप्शन है ऑप्टिमाइज कोड के, आप किसी वक्त भी ऑप्शन रखना चाहते हैं कि आप अपने कोड के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट डिबग कॉन्स्टेंट, कि आपने डिबग करते हुए बिल्ड करते हुए उसको किस किस अंदाज में आप उसको कर सकते हैं, वो कॉन्स्टेंट आप अलग से डिफाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फिर इसी तरह ट्रेस कॉन्स्टेंट, ये बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं आपके सिस्टम के जो आपने वहाँ पे जब प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना है तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह कोड साइनिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, आपको लेफ्ट साइड पे देखेंगे कोड एनालिसिस के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से। साइनिंग का मतलब ये होगा कि आपने जब कोई कोड, जैसे फिजिकली आप पेपर कोई साइन करते हैं, इसी तरह आप अपने कोड के साथ भी कोई सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। उसका मकसद ये होगा वो डिजिटल सिग्नेचर होंगे कि आपके कोड के अंदर कोई और पर्सन चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और किसी को डिलीवर कर दिया, तो उस हवाले से कि वो ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट दे दिया और वो किस कल को उसने कोई चेंज करवानी है वो किसी और पर्सन से चेंज करवा ले और आपसे वो कंसल्ट ही ना करे। डेफिनेटली आपकी एफर्ट है, आपने उसको डिज़ाइन किया है, तो आप चाहते हैं कि कोई और उसको चेंज ना कर सके, कोई और उसको टेम्पर्ड ना कर सके। हर दफ़ा जब भी उस कोड के अंदर चेंजिंग करवानी है वो पर्सन आपके पास ही आए, तो इसी वाले से कोड साइनिंग का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आप ऐड करते हैं। पहले आपने सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से देख लिया, बिल्ड करने के हवाले से, फिर आपने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कॉन्फ़िगरेशंस देख ली। अब हम चलते हैं मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई नया कंपोनेंट इसके साथ इंक्लूड होगा तो वो उसके ऊपर कैसे बिहेव करेगा, उसके ड्राइवर्स के हवाले से, लोकेशंस के हवाले से। इसी तरह वो सिस्टम आपका 64 बिट में, अब ऐसे भी हो सकता है मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये भी डिफाइन करें कि ये प्रोजेक्ट जो है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म के ऊपर भी चल जाए और इसी तरह 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी चल जाए। तो इस सूरत में आपको मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड करनी पड़ेगी। और इसी तरह वो आपको शॉर्टकट बता रहा है कि बैच बिल्ड जो ऑप्शन है उसके अंदर आप जाके चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू से भी उसको ओपन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यह है कि हमने अभी तक तो यही देखा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती क्या हैं। बेसिकली वो सेटिंग है आपके प्रोजेक्ट की कि आप किस तरह उस प्रोजेक्ट को सेट करते हैं, जिस जगह पे उसको रन करना चाहते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली उनको असाइन किस अंदाज में हम करते हैं, ये जो विजुअल स्टूडियो है वो उनको लिंक किस तरह करता है, उस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो है वो कुछ इस अंदाज में एक क्राइटेरिया उसने सेट किया हुआ है। इफ़ अ प्रोजेक्ट हैज़ अ कन्फिगेशन नेम, डेफिनेटली उसका कोई नेम आप रखेंगे, प्लेटफॉर्म नेम, तो वो नेम किसके साथ मैच करना चाहिए, आपका न्यू सॉल्यूशन कन्फिगेशन के साथ, और कन्फिगेशन इज़ अ साइन। अब ये जो कन्फिगेशन के साइन होते हैं, आप बेसिकली ये जो फाइल्स हैं कन्फिगेशन जो आपको बता रहा है यहाँ पे, ये फाइल्स हैं आपकी, वो फाइल्स आप किस तरह अटैच करेंगे, वो कहते हैं उनके नेम आपके पास सेम होने चाहिए। अगर आप कोई नई चीज़ कन्फिगर करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर आपका रनिंग कंडीशन में है और आपके उसके ऊपर कुछ नई कन्फिगेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसका नाम भी आप सेम ही रखेंगे। अब ये इसीलिए है कि मल्टीपल कन्फिगेशन की फाइल यहाँ पर बात हो रही थी ऊपर, कि आपने अगर
32 बिट के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है अपनी वो सेव कर ली है, तो आप उसको 64 बिट के लिए भी करना चाहते हैं तो उनके नाम आपके पास सेम होने चाहिए, तभी वो सिस्टम उसको गेट कर पाएगा। जिस प्लेटफॉर्म के साथ वो मैच हो जाएगा क्राइटेरिया, तो उसी वो पोर्शन को वो एक्टिव कर देगा, बाकी को वो डिसेबल कर देगा। अगर वो मैच नहीं होते तो फिर डेफिनेटली आपके लिए वो सिस्टम जो है कन्फिगर जो है वो उस तरह नहीं हो पाएगा। तो ये कन्फिगरेशन के हवाले से कि उसको किस तरह वो मैच कर रहा होता है। अब सबसे पहले वो कहता है कि इसी तरह सोल्यूशन कन्फिगरेशन जो फाइल्स हैं वो आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं उसका बताने जा रहा है आपको। ये जो आपने सोल्यूशन कन्फिगरेशन की फाइल है, जैसा कि आपको पता है कि कन्फिगरेशन मैनेजर के अंदर जाके आप इसको क्रिएट करते हैं या अटैच करते हैं, आप इनको एक दफ़ा अटैच कर सकते हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड हो जाएंगी और जब भी आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा तो इन कन्फिगरेशन फाइल्स की ही डायरेक्शन के अंदर वो ऑपरेट करेगा। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कन्फिगरेशन फाइल्स को, और कोई नई भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जेनेरिक, अभी तो हमने पढ़ा कि ये कोई कन्फिगरेशन फाइल्स होती हैं जिनके अंदर सिस्टम को कन्फिगर किया जाता है, सिस्टम को बताया जाता है कि आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलना है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कन्फिगरेशन फाइल्स किस तरह की होती हैं, ताकि इन चीज़ों को हम देखेंगे तभी हमें आइडिया होगा कि ये बेसिकली है क्या। अभी तक तो थ्योरेटिकल वर्क ही हम देख रहे थे कि आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर जाके कोई सेटिंग आप चेंज करते हैं, वहाँ पे कोड को आप साइन करते हैं या इस हवाले से कोई सेटिंग आप फिक्स करते हैं कि ये किस मशीन के ऊपर हमारा सिस्टम जो है वो रन होगा। अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये कन्फिगरेशन फाइल्स जो हैं ये बेसिकली होती क्या हैं। ये बेसिकली डिवेलपर और एडमिनिस्ट्रेटर का फुल कंट्रोल और फ्लेक्सीबिलिटी हमारे जो एप्लीकेशन रन करने जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर फुल कंट्रोल चाहते हैं आप अपना। फुल कंट्रोल का मतलब ये है कि आपने उसको डेवलप किया है, कोई और उसके अंदर चेंजिंग या टेम्परिंग ना कर सके, कल को अगर उसके अंदर चेंज भी होने चाहिए तो आप ही कर सकें। और फिर उसके अंदर एक और ऑप्शन भी आप रखते हैं कि अगर उसको चेंज करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात यहाँ पर हो रही है कि आप उसको एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करना चाहते हैं, आप उसको हर तरह के सीपीयू के लिए रन करना चाहते हैं, तो इस हवाले से अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं या कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं डेवलपर या एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, तो आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनती किस में है, ये बेसिकली XML की फाइल्स होती हैं उनके अंदर बनती हैं। ओप्सो के आपने वेब का या कोई कोर्स जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें XML का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं है कि XML फाइल्स क्या होती हैं, बेसिकली आप टैग्स के अंदर कोई डाटा आप इंक्लूड करते हैं, तो XML आप गूगल के ऊपर जाएं और उसको सर्च करें कि बेसिक XML फाइल क्या होती है, तो बस थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। होप सो कि आप लोगों ने अभी तक इसको कम्प्लीट कर लिया होगा, तो हम इसको अभी नहीं देख रहे। बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है, जो भी रिसोर्सेज और एप्लीकेशन हैं उनको प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में लेके आना चाहता है कि आपकी वो एप्लीकेशन कोई और चेंज ना कर सके, जो भी उसके अंदर चेंज करनी है वो खुद करें। फिर इसी तरह डिफरेंट असम्बलीज के वर्जन्स आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करते हैं। असम्बली फाइल्स का आपको पता है कि एक्स्ट्रा फाइल्स आप बना के रखते हैं जिनको आप अपनी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट के साथ लिंक करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे लास्ट टाइम हमने असम्बली फाइल डिज़ाइन की थी, तो हम उस असम्बली फाइल के अंदर कुछ और फीचर्स ऐड कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसका नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा, तो उन वर्जन को आपने किस तरह कंट्रोल करना है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपकी यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो मेंटेन करती हैं। और इसी तरह आपके पास जितने भी रिमोट एप्लीकेशंस या ऑब्जेक्ट जो लोकेटेड हैं उनको आपने किस तरह डील करना है। अब यहाँ पे रिमोट एप्लीकेशन का क्या मतलब होगा, आप अपना सॉफ्टवेयर जो रन कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि उसकी सारी फाइलें एक ही जगह पड़ी हों, एक ही सर्वर के ऊपर हों, डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर भी चल सकती हैं, आप एक सिस्टम के ऊपर ही वो सारा लोड नहीं हो सकता। हमेशा हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात नहीं करते जो कि एक सिंगल कंप्यूटर के लिए ऑपरेट होगी, एक से ज़्यादा सिस्टम भी रन हो सकते हैं। उस हवाले से वो फाइलें आपस में लिंक्ड किस तरह होंगी, या अगर आप एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसको हम कुछ इस अंदाज में देखेंगे कि कुछ फाइल आपके सिस्टम की एक फोल्डर में पड़ी हैं और कुछ फाइल्स किसी और डायरेक्टरी में पड़ी हैं, लेकिन सिस्टम आपका फिर भी परफेक्टली काम कर रहा है। जैसे कि इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि आपकी एक एप्लीकेशन है
वो कुछ डाटा भी स्टोर कर रही है। आपने एप्लीकेशन तो सी ड्राइव में इंस्टॉल की, लेकिन उसकी डेटाबेस आप ई ड्राइव में या कहीं डी ड्राइव में अपने पास सेव कर रहे हैं, तो उनको आपस में जो लिंक करवाना है वो कैसे लिंक होंगी, उनको एड्रेस कैसे पता होगा कि जो डेटाबेस है वो कहाँ पर पड़ी है, या डेटाबेस की कन्फिगर करने के हवाले से, डेटाबेस का भी आप शायद सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ चुके हों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का जो भी मॉड्यूल बनाएंगे उसको हम किसी डेटाबेस के साथ लिंक भी करेंगे। डेटाबेस का मतलब यह है कि रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिकली आपने सेव करना है। तो नॉर्मली आप सी ड्राइव के अंदर अगर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सी ड्राइव के अंदर आप वो डाटा स्टोर नहीं करते कि किसी वजह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी वजह से डैमेज होता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। जस्ट आपकी एप्लीकेशन होगी तो वो दोबारा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर मेंटेन की जा रही होती हैं, या डेटाबेस कनेक्शन की जैसे बात कर लेते हैं। आप जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं उसको वो किस तरह मेंटेन होगी, तो उस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने पास मेंटेन करती है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जो फॉर्मेट होती है, नॉर्मली XML फॉर्मेट आपके पास फाइल्स होती हैं XML की, और उनके अंदर आप लिखते हैं नीचे वो टैग्स क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी सारी डिटेल आपके पास आ रही है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को जेनेरिकली आप तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मशीन रेलिवेंट आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दूसरी एप्लीकेशन रेलिवेंट, और तीसरी सिक्योरिटी के रेलिवेंट जितनी भी आपकी फाइल्स बनेगी। मशीन रेलिवेंट जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन रन करने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं हम। जो हमारे पास मशीन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है वो आपके प्लेटफॉर्म से रेलिवेंट है कि विंडोज़ कौन सी इंस्टॉल होनी चाहिए, या बाकी जितनी चीज़ें आपके हार्डवेयर से रेलिवेंट हैं, एप्लीकेशन आपके अपने सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट, और इसी तरह सिक्योरिटी से रेलिवेंट भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स डिज़ाइन की जाती हैं, तो आगे डिटेल आ रही है उनको भी हम देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले वो बता रहा है कि इस फाइल का जो फॉर्मेट होगा वो किस तरह होगा, ये तो हमने देख लिया कि ये XML की फाइल्स होंगी और ये केस सेंसिटिव फाइल्स होती हैं, और यहाँ पर हम टैग्स यहाँ पे बना के उनके अंदर चीज़ें लिखते हैं। जैसे अगर आपने एक सिंपल फाइल क्रिएट करनी हो, एक तो आप नोट पैड खोलें और उसमें आप लिखें नेम, नेम को आप ये जो कर्ली आपके पास शार्प किस्म की ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर लिखें, फिर नेम लिखें आप किसी का, फिर इसी को फॉरवर्ड स्लैश के साथ अगर बंद कर देते हैं तो ये एक टैग बन जाता है। इसी तरह आपने अगर HTML लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो वो सारी ही टैग बेस होती है, और वहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो आपकी XML में ही लिखी जाती हैं, जहाँ टैग्स के अंदर आप कुछ डाटा जो है वो अपना राइट करते हैं। तो बेसिकली ये उसी फॉर्मेट आपको बता रहा है, ये लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं कि आप इस तरह का डाटे को ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसको आसानी से समझा जा सकता है, सिस्टम भी उसको समझ सकता है और आप भी उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये टैग हैं, और कोई हर टैग का एक स्टार्ट और एंड होता है। जैसे यहाँ पर रन टाइम के हवाले से है, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ कोई, अब ये पहला टैग लिखा हुआ है रन टाइम, इसको एक ब्रैकेट के साथ क्लोज किया है, यहाँ पे कोई भी कंटेंट होंगे, फिर रन टाइम के बाद उसका फिर अगर कोई चाइल्ड है, जैसे आप ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं और एंड पे उसको रन टाइम से क्लोज कर देते हैं, अगर कोई एम्प्टी आपके पास टैग लिखना चाहते हैं तो उसको आप सिंपल आखिर पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के इस तरह भी लिख सकते हैं, और या आप पहले उसको सिंपल रन टाइम लिख लें फिर उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप उसको क्लोज कर लें। तो ये आपको वो बता रहा है, और ये जितनी भी फाइल्स होंगी केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर ये आप टैग अल्फ़ाबेट में जो आपके पास कैपिटल वर्ड्स हैं उनमें लिखते हैं तो उनको अलग से डील किया जाएगा, और लोअर केस वाले जो वर्ड्स हैं उनको अलग से डील किया जाएगा। या आगे फाइल्स भी आ रही हैं आपके पास बनी बनाई कि ये फाइल किस तरह बनती हैं। बेसिकली यहाँ पे पेयर्स होते हैं नेम के, और उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, उन्हीं से एंड करते हैं, इसको टैग का नाम हम देते हैं। और इसी के अंदर जैसे कोई वर्जन के हवाले से एच रेफ, अगर आप कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, हाइपर रेफरेंस इसको कहते हैं, किसी और फाइल का आप देते हैं, आप जैसे कोड बेस आपका कोई एक फाइल है उसको आप किस तरह लिखते हैं, नीचे आप लिखा रहा है आप कोई किसी असम्बली फाइल का रेफरेंस देते हैं, ये नीचे आ रहा है आपके पास फाइल, तो यहाँ पर कोड बेस आपके पास एक टैग है उसके अंदर आप वर्जन डिफाइन करते हैं, और फिर आप एच रेफ के अंदर इसी लाइन के आगे आप जो असम्बली फाइल आपने बनाई हुई है माई असम्बली डॉट डी एल एल उसका पूरा रेफरेंस, यहाँ पे एक वेबसाइट का एड्रेस लिया गया है
नॉर्मली हम इसको इस तरह डील कर रहे हैं कि ये जो असेंबली फाइल है ये आपने अलग से किसी सर्वर के ऊपर या किसी एड्रेस के ऊपर अपने पास सेव करके रखी हुई है और अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक की हुई है। लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर से लेंगे तो डेफिनेटली कंप्यूटर का ही एड्रेस देंगे, वहाँ पर सी ड्राइव आ जाएगी या डी ड्राइव जहाँ पर पड़ी होगी, फॉरवर्ड स्लैश और फिर आपके फोल्डर का नाम, फॉरवर्ड स्लैश फिर उस फाइल का नाम, कुछ इस अंदाज में आप इस फाइल को यूज़ कर लेंगे। तो ये तो है फॉर्मेट। अब हमारे पास है मशीन कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास आ रही है कि मशीन कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स हैं वो किस तरह काम करती हैं और उनका क्या मकसद होता है। ये बेसिकली आपके इंस्टॉलेशन के वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है रन टाइम इंस्टॉल पाथ कॉन्फ़िग डायरेक्टरी मशीन डॉट कॉन्फ़िग के नाम से आपने एक फाइल बनाई हुई है। ये इस हवाले से है कि आपने जब इसको किसी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करते हुए आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किसका चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, उस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर सेव की जाती हैं। इसी तरह एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, वो फाइल्स जिनके ऊपर आपके प्रोजेक्ट से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, या कोई उसने कोई असेंबली फाइल अगर इंक्लूड करनी है, आपने कोई रिमोट ऑब्जेक्ट कहीं और से किसी लिंक से ऑब्जेक्ट जो है अपने सॉफ्टवेयर के साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक करना है, तो उस हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो है सेव की जाएगी। इसी तरह फिर आपके पास आ जाती हैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये वो वाली फाइल्स होंगी जिनके ऊपर परमिशंस के हवाले से कि आपने जितना जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया है तो इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है और किस किस हिसाब से, किस किस अंदाज से उसको यूज़ कर सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पर वो कह रहा है कि इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है, आपके पास एक टूल होता है इसको कहते हैं कोड एक्सेस सिक्योरिटी पॉलिसी टूल, इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, इसको रन करने से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं, तो नॉर्मली इसको रिकमेंड किया जाता है। तो ये कोड एक्सेस सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ये भी आपको टूल के अंदर मेन्यू बार के अंदर भी मिल जाती है और अलग से इसका टूल भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली इसको टूल को यूज़ करने से ये हो जाता है कि इसके करप्ट होने की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की जो सिक्योरिटी की हैं उनके चांसेस कम से कम होते हैं, कि अलग से आपको प्रॉपर उसकी पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट करने के लिए एक टूल प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि जैसे नॉर्मली आप डिफ़ॉल्ट फाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी आपको ये कोड एक्सेस सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं मिलेगी, ये उसी सूरत में ही आपको फाइल मिलेगी अगर आपकी उसकी पॉलिसी को चेंज करते हैं। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी पॉलिसी को आप चेंज नहीं करते तो उस केस में ये फाइल आपको नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक दफ़ा जब आप सिक्योरिटी पॉलिसी अपने प्रोजेक्ट की चेंज करेंगे तो उसके बाद ही आपको नज़र आएगा कि ये फाइल भी एग्जिस्ट करती है। बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं ये आपकी जो सेटिंग्स हैं उनको अपने पास सेव कर रही होती हैं, उसके अंदर आपके पास डेटाबेस कनेक्शंस के हवाले से है, कॉमन स्ट्रिंग के हवाले से है, कोई ऑब्जेक्ट के हवाले से है, किसी और एप्लीकेशन को इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसके हवाले से है, कि आप ऑटोमेटिकली ये सारी जो सेटिंग्स हैं आप इंप्लीमेंट कर देते हैं, और फाइल्स और फोल्डर के हवाले से, स्टोर करने के हवाले से कि आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो, कैसे स्टोर हो, डेटाबेस कहाँ पे है, उसके साथ कनेक्ट कैसे होना है, और ये जितनी भी सेटिंग है ये XML फॉर्मेट में ही आप अपने पास स्टोर कर रहे हैं। और कन्फिग की फाइल होती है, नॉर्मली एक ही फाइल आप बना रहते हैं, इसको कॉल करते हैं तो कन्फिगेशन के हवाले से ऐप डॉट कन्फिग के नाम से जैसे आप फाइल बना लेते हैं तो ये सारी फाइल आपकी क्या करती है, ये सेटिंग जो है अपने पास सेव रख लेती है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट या जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन की तो उसकी आप सेटिंग अलग से सेव करना चाहते हैं। फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ का? फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कोई एक सेटिंग चेंज करनी है तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाके कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आप क्या जाएंगे अपनी सेटिंग की फाइल के अंदर जाएंगे, वहाँ अपनी सेटिंग चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेटिंग जो है आपके सारे प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप लोगों ने वेब का कोई नॉलेज लिया है तो वहाँ पे CSS फाइल होती है, CSS फाइल, तो कैस्केड स्टाइल शीट्स उनको कहते हैं, तो वो भी एक सेटिंग फाइल ही होती है जिसको आप कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ, और जितनी भी डिज़ाइनिंग, कलरिंग, अलाइनमेंट, उसके टेक्स्ट साइज, ये सारे उस फाइल के अंदर आप सेव करते हैं, और उस फाइल को जस्ट इंक्लूड करने से आपके पूरे पेज के ऊपर या पूरी एप्लीकेशन के ऊपर आप वो डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल्स होती हैं वो भी अपने अंदर सेटिंग जो है वो सेव रखती हैं कि आपने सिस्टम को किस तरह लेके चलना है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है XML की फॉर्मेट में वो स्टार्ट हो रही है। अब ये पहला टैग क्वेश्चन मार्क XML,
ये बताएगा कि यहाँ से कोई XML फाइल आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली फाइल आपकी बेसिक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने के हवाले से आपके पास एक उसका फॉर्मेट दिया गया है, उसका वर्जन लिखेंगे 1.0, एनकोडिंग स्कीम है कि इस फाइल को किस अंदाज से आप एनकोड करना चाहते हैं, ये आप सिस्टम को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसको डिकोड अपने पास उसने किस तरह करना है, कि वो डिकोड इसी अंदाज से कर सकेगा जब उसको पता होगा कि इसको एनकोड किस फॉर्मेट में किया गया है। ये डिफरेंट स्टाइल है क्योंकि XML पढ़ना ये हमारा मकसद नहीं है, तो जस्ट हम उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो आप एक टैग स्टार्ट करेंगे कन्फिग्रेशन और उसी टैग को क्लोज कर लेंगे फॉरवर्ड स्लैश कन्फिग्रेशन के साथ। 6 लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 3rd लाइन के ऊपर आपने स्टार्टअप लिखा और उसी को आप बेसिकली बता रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से आपने लेना है, और 5th लाइन के ऊपर उसी स्टार्ट को एंड कर दिया उस ब्रैकेट को, तो उसके दरमियान में लिखा स्पोर्टेड रन टाइम वर्जन। स्पोर्टेड आप लिख रहे हैं स्पोर्टेड रन टाइम वर्जन कि आप इसको रन करने के हवाले से आप इसकी कोई सेटिंग जो है यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि वर्जन कौन सा होगा, कौन सा वर्जन आपका एप्लीकेशन का वो चलेगा, और इसी हवाले से कि वो उसने फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है कि .NET फ्रेमवर्क यूज़ करना है और इसी तरह वर्जन कौन सा होगा आपकी एप्लीकेशन का जो उसने स्टार्ट करना है। अब ये बेसिकली आपको थोड़ा सा आपको गाइडलाइन बताता है कि आपने 4.5 जो वर्जन है फ्रेमवर्क का .NET फ्रेमवर्क उसको यूज़ करना है। जब भी इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करेंगे तो ये सेटिंग की फाइल के अंदर आपने इसको मेंशन किया है। आगे चलते हैं, अगर आप ये सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमने अब .NET फ्रेमवर्क वो वाला यूज़ नहीं करना, अब हमने इसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, और इसी तरह इसके अंदर कोई और सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं, जैसा कि उसी फाइल के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की गई है ऐप सेटिंग के हवाले से कि ऐड की टेस्ट की वैल्यू कोई उसकी वॉट एवर जो भी आप देना चाहते हैं, आपने एक कोई की ऐड कर दी ऐप सेटिंग के हवाले से कि वो की आप जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप इस फाइल के अंदर भी सेटिंग फर्दर आप नहीं कर पाएंगे कोड के अंदर। अब ये फिगर 1 आ रही है, इसी के अंदर आपने एक फॉर्म डिज़ाइन किया जहाँ पे एक स्टोर का बटन है, एक एडिट का है, एक शो का है, ये कोई डिज़ाइन बनाया आपने। तो कोड के अंदर आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो कोड देखने से पहले वो बता रहा है कि आप सिस्टम जो कॉन्फ़िगरेशन के कुछ स्टेप्स हैं उसके थ्रू आप इसको यूज़ करेंगे, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद एड रेफरेंस, फिर असम्बलीज और फ्रेमवर्क, और फिर स्क्रॉल करके नीचे ले आए, ये आपको फिगर 2 के अंदर सारी डिटेल जो है वो बताई जा रही है। तो ये नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा जिससे आप थोड़ा सा आराम से इसको देख भी सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी असम्बली हैं सिस्टम के अंदर, डाटा उसका या उसके कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, कॉन्फ़िगरेशन डॉट इंस्टॉल के हवाले से उसका कौन कौन सा वर्जन है, कौन कौन सी फाइल्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं, किस किस अंदाज में, वो सारी आपके पास एड प्रोजेक्ट रेफरेंस के अंदर आपके पास ये सारी ऑप्शन आ रही होती है नीचे। अब इंपोर्ट करेंगे, अब इसके बाद वो बता रहा है कि आपने ये फाइल तो बना ली कोई जिसके अंदर सेटिंग लिख ली, तो फिर आप सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको इंपोर्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इसको फर्दर यूज़ करने के लिए। तो वो कहते हैं कि जैसे भी आप फाइल को इंक्लूड कर लेंगे तो उस नेम स्पेस को आप तभी ही यूज़ कर पाएंगे, जैसे हमने पहले कहा था कि आप उसका लिंक प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, पहले उसको रेफरेंस के तौर पे जैसे DLL फाइल को आप इंक्लूड करते हैं तो तभी आप उसको यूज़ कर पाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपने वो फाइल इंक्लूड की तो यहाँ पे dim.c.app.config.as.configuration वो एक नई आपने वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका पूरा पाथ दिया कहाँ से इस ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट करना है उसका, ये प्रोग्रामिंग के हवाले से उसी तरह अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है कि इसको एज अ आपने एक वेरिएबल के तौर पे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल के तौर पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको फर्दर आप यूज़ करने के हवाले से इस फाइल को, इसकी सेटिंग करने के हवाले से, इस सेटिंग को आप कॉल करने के हवाले से आपके पास का कुछ जो गाइडलाइन वो प्रोवाइड की गई है। आप कुछ वैल्यूज़ भी अपने पास पे स्टोर करेगी, अगर उसकी वैल्यूज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू आपने किस तरह सेव करनी है, तो ये इसी तरह एक छोटा सा प्रोग्राम आपके पास लिखा हुआ है उस फाइल के लेबल को स्टोर करने के हवाले से, उसको चेंज करने के हवाले से, उसकी वैल्यू के अंदर कोई अगर आप टेम्परिंग करना चाहते हैं। अब ये तो एक छोटी सी फाइल आपको बता दी गई कि फाइल बनती किस तरह है, उसको इंक्लूड किस तरह करते हैं, अब इस फाइल से हम रीड आउट किस तरह करते हैं, वापस
जब हम करते हैं ये ट्राई कैच का आपके पास ऑप्शन भी बनाया गया, तो ये बेसिकली एक सूडो कोड आपको लिख के दिखाया गया है कि जब आपके फाइलें होती हैं तो उसका सूडो कोड, वो कोड जो प्रॉपरली आपका एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, जैसा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो उसको हम सूडो कोड का कहते हैं। अगर ये फाइल कोई इसको मिलती है तो उस वाले से ये सेटिंग इंप्लीमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और अगर उसको फाइल नहीं मिलती या उस फाइल के अंदर कोई एरर शो होता है तो वो आपको कैच के ब्लॉक में वो एरर जो है वो शो कर देगा। तो मैंने पहले बताया था कि जितना भी कोड लिखना है अब से वो हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो फाइल किसी वजह से नहीं मिलती या वो उस कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो एक वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर एक तो आपका वो जो प्रोग्राम है वहाँ पर सस्पेंड नहीं होगा और आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी कि फर्दर हमने इसके साथ किस तरह डील करना है। तो ये आपके ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर उसने उसी फाइल को यहाँ पे यूज़ किया और जब रीड कर रहा है अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया तो वो आपके पास शो हो जाएगा उसी हवाले से। ये बेसिकली आपने कोशिश करनी है, ये जो हमने फॉर्म वन अभी बनाया है ऊपर, तो इसके डिफरेंट बटन्स हमने वहाँ पे बनाए हैं वो इस हवाले से कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है पड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो आपके पास अवेलेबल है, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कोड लिखेंगे, अगर आप उसको इसी लिहाज से ये फॉर्म आपके पास नीचे जो पहले आ रहा था ये फॉर्म कि अगर आप उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जस्ट शो करना चाहते हैं, उसको उसके अंदर कोई सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं या उसको एडिट करना चाहते हैं, उस हवाले से हम कोड को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास एक सूडो कोड दिया हुआ है कि अगर आप थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं, ये नीचे रीड करने से नीचे अभी हम चल रहे थे उसके ऊपर एडिट करने के हवाले से। आप उस फाइल को वहाँ पे एडिट ओपन कर सकते हैं, ओपन जैसे भी करेंगे, ये आपके पास कमेंट किया ये ओपन फाइल एंड स्टोर अ न्यू वैल्यू, आपके पास एक फाइल ओपन होगी और उसके अंदर आप कोई नई वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 15 जो ऑटोमेटिकली जो कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, इस सूडो कोड का मतलब ये है कि ये वैल्यू वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद यह है कि ये जो है आप जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको अपने प्रोजेक्ट में आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर दोबारा मेन्यू बार के ऊपर जाएं, मेन्यू बार से आप, तो फाइल हमने क्रिएट कर ली, हम ये अज्यूम करते हैं आपको आइडिया हो गया कि फ़ाइल होती क्या है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो उसके बाद उसको ऐड कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, ऐड न्यू आइटम के ऊपर करेंगे और उसके बाद आप करेंगे इंस्टॉल्ड एक्सपेंड इंस्टॉल विजुअल सी शार्प आइटम्स और उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की टेम्पलेट को वहाँ पे ऐड करेंगे और ऐप डॉट कॉन्फ़िग से नाम से अगर आपकी फ़ाइल है तो उसको आप ऐड कर लें। तो अब थोड़ा सा समराइज़ करते हैं इस चीज़ों को जो अभी तक हमने डिस्कस की और इनका मकसद क्या था और अभी तक हमने कितना समझना है। बेसिकली हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की बात की, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किस तरह की होती हैं ये हमने देखा, हमने कहा कि वो एप्लीकेशन बेस हो सकती है, वो आपकी सिक्योरिटी बेस हो सकती है और एप्लीकेशन बेस होगी, सिक्योरिटी बेस होगी और आपकी सिस्टम बेस होगी कि आप इस हवाले से अगर फाइल डिज़ाइन करना चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, फिर एप्लीकेशन के हवाले से कि किसको कौन सी एक्सेस आपने देनी है या उसको कौन से रिसोर्सेज कहां से मिलने हैं, इस हवाले से अगर आप कोई सेटिंग लिखना चाहते हैं, क्योंकि XML फाइल्स हमने नहीं पढ़ी हुई तो उस हवाले से हम डिटेल में तो अभी नहीं जा रहे कि XML के ऊपर आप राइट डाउन किस तरह करेंगे, उसका थोड़ा सा हमने एक व्यू ज़रूर यहाँ पर लिया है। कुछ परमिशंस वगैरह हम सेट कर सकते हैं, तो जब सिक्योरिटी परमिशन की बात आएगी तो आप टूल यूज़ कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी एक्सेस पॉलिसी का जो टूल आपके पास है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बैकएंड पे उसकी जो फाइल है XML की वो क्रिएट हो जाएगी, आपको एक फ्रंट एंड प्रोवाइड किया जाता है। तो मकसद यहाँ पे ये है कि आप कोई अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाना चाहते हैं कि उसको जस्ट आप ही यूज़ करेंगे, कोई और यूज़ नहीं करेगा, तो इस हवाले से आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसी लेक्चर को सुनने के बाद आपने एक हैंड रिटन जो है असाइनमेंट क्रिएट करनी है, इस लेक्चर की हैंड रिटन असाइनमेंट होगी। तो हैंड रिटन असाइनमेंट के अंदर आप यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के हवाले से आप गूगल के ऊपर सर्च करें और आपने देखना है कि अगर आपने एक छोटी सी गेम बनानी है, आप अज्यूम कर लें कि आपने कोई एक गेम डेवलप करने जा रहे हैं, एक एप्लीकेशन है गेम की, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो किस किस अंदाज में बन सकती हैं, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसके क्या होंगी, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या बनेंगी, तो गूगल के ऊपर सर्च आउट करके आपने थोड़ा सा रीड आउट करके हैंड रिटन 3 से 4 पेजेस की आपने एक असाइनमेंट डिज़ाइन करनी है, जिसके अंदर आप नो डाउट दोबारा भी लिख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो बेसिकली होती क्या है। उसका मकसद ये होगा कि ये जो हमारा लेक्चर है इसके थोड़े से आपके पास नोट्स भी क्रिएट हो जाएंगे साथ साथ।
अभी तक हमने इस कंसेप्ट को जस्ट समझना है उस असाइनमेंट के अंदर कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती क्या हैं। तो आप इसको बेहतर है कि कुछ इस मटेरियल को यूज़ किए बगैर आप कोई नया मटेरियल देखें ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और फिर उसके अंदर आपने एक इंट्रोडक्शन ज़रूर ऐड करना है कि एक्सएमएल फाइल क्या होती है, एक 1.5 पेज का आपने ये ज़रूर इंक्लूड करना है। एक्सएमएल फाइल क्या होती है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सएमएल फाइल क्या होती है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये 2 से या 3 4 पेजेस की जो आपकी असाइनमेंट है, जिसके अंदर आपने एक्सएमएल को भी एक्सप्लेन करना है कि एक्सएमएल क्या होती है, इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को भी देखना है सी शार्प और विजुअल स्टूडियो के हवाले से कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए इस तरह करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की आप इंपॉर्टेंस लिख लें, इंपॉर्टेंस और इसके फ़ायदे या नुकसान आप देख लें, और इसके साथ साथ आप एक्सएमएल फाइल को देख लें कि एक्सएमएल फाइल क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एक फॉर्मेट के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे आपने एक्सएमएल फाइल भी क्रिएट कर लेनी है। तो ये आपका इस असाइनमेंट का टास्क है जो कि हैंड रिटन होगा। कीप इन माइंड कि ये टास्क जो है आपका हैंड रिटन ही होगा। तो फिर फर्दर हम जो लेक्चर होगा उसमें इनकी इंप्लीमेंटेशन वाली साइड पे जाएंगे। थोड़ी सी थ्योरी इसकी ज़्यादा थी तो पहले थ्योरी कवर करनी ज़रूरी थी, तो ज़्यादा लेंथी लेक्चर हम नहीं बनाते क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो जाता है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंप्लीमेंटेशन या इसी टॉपिक के फर्दर जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उसको हम फिर डिस्कस करते हैं।